आज के दिन हम और आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। क्यों? आदि जगत गुरु शंकराचार्य से शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, दुनिया में कौन कौन सी चीज बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य, तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, सबसे मुश्किल चीज जो है वो मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व जो है वो बहुत मुश्किल है। मनुष्य का शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं संसार के अंदर। 84 लाख प्रकार की से ऐसा समझिए कि एक हल्का फुल्का आइडिया देने के लिए एक सीमा बांध दी कि 84 लाख प्रकार की है शास्त्रों में। ऐसा समझ लिए 84 लाख प्रकार के में भी तमाम अंदर 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 अनंत योनियां हैं। एक एक योनि में फिर अनंत अनंत योनियां होती चली जाती है। इतना बड़ा संसार है, तो उनमें से सबसे दुर्लभ देह कौन सी? तो बताएगा मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। काबाहु का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कबहु करी करुणा नर देही, कभी भगवान कृपा करके करुणा करके हमको और आपको मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया करता है। क्यों? विस्तार में नहीं जाएंगे, बहुत संक्षेप में समझ लेना कि मानव देह एक ऐसी देह है। नर तनु सम नहीं कौनु देही, जीव चराचर याचत जेही। संसार के जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, हमारे मृत्युलोक की, पाताल लोक की या ऊपर के लोकों की, सारी योनियां जो है जीव चराचर याचत यही, इसी मानव देह को प्राप्त करने की याचना किया करते हैं, कामना किया करते हैं। देखो बड़ी विलक्षण बात है। हम लोग समझते हैं कि भाई हमारा शरीर कौन सा खास कूड़ा कबाड़ा शरीर है, कौन सी खास बात है इसके अंदर। देवता लोग बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना किया करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिन देवी देवताओं की हमारा आप उपासना करते हैं ना, वो हमारे और आपके इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य के शरीर की ये विशेषता है, मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये जो एक चीज भगवान ने मनुष्य के शरीर में हमको प्रदान कर दी है, वो और किसी शरीर में नहीं दी गई। कौन सी चीज? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हमारा मानव देह जो है ना, वो साधन धाम है। साधन धाम का मतलब क्या? कि ये शरीर की विशेषता है कि इससे हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद सुना हो, कल्प वृक्ष हुआ करता है, कहते हैं स्वर्ग में होता है। उस कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? उसकी ये विशेषता कही जाती है कि उसके नीचे बैठ करके आप जो चाहो सो मिल जाएगा आपको। कल्प वृक्ष, इसलिए भगवान को मनवांछा कल्पतरु कहते हैं। कल्प वृक्ष तो बेचारा प्राकृत पदार्थ है, इसलिए प्राकृत वस्तु ही आपको प्रदान कर सकता है, दुनियादारी की चीजें आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन भगवान तो भक्त मन वांछा कल्पतरु है। भगवान को तो भक्तों के मन में जो भी कामना होती है,
सही हो अथवा गलत हो, ठाकुर सब पूरी करने को तैयार है। कल्प वृक्ष है, भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो चाहो सो आपको मिल जाया करता है। अच्छा चाहो अच्छा मिले, बुरा चाहो बुरा मिले, कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो ये मानव देह जो है ना, ये कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि ये साधन धाम है। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इसके द्वारा आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी को नरक प्राप्त करने की ख्वाहिश हो, बढ़िया से बढ़िया नरक, आप बुरे बुरे काम कीजिए आपको मिलेगा। अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना हो तो बढ़िया से बढ़िया A1 क्लास का स्वर्ग आपको मिल सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग, अगर अपवर्ग की प्राप्ति करनी हो तो वो भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिल सकता है। नसेनी है, सीढ़ी है वहां पर पहुंचने के लिए। नीचे जाना हो तो सीढ़ी से नीचे उतर जाइए, ऊपर जाना हो तो ऊपर चढ़ जाइए सिरे से। ज्ञान प्राप्त करना हो तो इस मनुष्य के शरीर के माध्यम से, वैराग्य प्राप्त करना हो तो इस मनुष्य के शरीर के माध्यम से, और अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो इस शरीर के माध्यम से, अगर सब सुख खानी भक्ति की प्राप्ति करनी है वो भी आपको इस मानव देह के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैन इज अबव ऑल एनिमल्स, ही इज अबव ऑल एंजल्स, इवन द देवास विल हैव टू कम डाउन and attain to salvation through this human form। इस मनुष्य के शरीर की विशेषता है कि देवता लोग भी इसकी याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि देव योनि भोग योनि है, अन्य जो योनियां हैं वो भोग योनि मात्र हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में हम स्वतंत्र हैं कि जो भोग हमको भोगने हैं उनको भोगे, प्लस आगे के लिए नवीन कर्म करने में स्वतंत्र हुआ। देवता लोग चाहें कि भाई वो भगवान की प्राप्ति कर ले या मुक्ति की प्राप्ति कर ले, देव शरीर को प्राप्त करके नहीं कर सकते। क्यों? वहां केवल जो कुछ आपने कर्म योनि में किया है उसको भोगने के लिए वहां जाइए, नए कर्म करने का उनको अधिकार नहीं हुआ करता है। इसलिए अगर वे चाहते हैं मुक्ति की प्राप्ति करना या भगवत प्राप्ति करना, तो उनको भी मानव देह के माध्यम से ही हो सकेगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए इस मनुष्य के शरीर की इतनी विशेषता है। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई मनुष्य के शरीर को हमको प्राप्त हुआ तो भोग हम भोगने में स्वतंत्र हैं या हमको भोगने ही पड़ते हैं? तो ऐसा समझना कि कर्मफलदाता ईश्वर ने इस जन्म में जो भोगने के लिए लिख दिए हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,